रफ्तार की भेंट चढ़ा मासूम। आक्रोशित लोगों ने हाईवे को किया जाम। बेगूसराय में फिर एक तेज रफ्तार वाहन ने मासूम को कुचल डाला। इस दौरान गंभीर रूप से घायल बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया और देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भाड़ जमा हो गई। दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। घटना रविवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ इलाके के लिए मशहूर ट्रैफिक चौक स्थित हाईवे की है। लगभग 2.5 वर्षीय मृत करण कुमार लोहिया नगर थाना अंतर्गत बाघा निवासी बलदेव शाह के पुत्र थे और माता पिता के बीच अनबन रहने के कारण हाल मौका ट्रैफिक चौक स्थित झोपड़पट्टी में अपनी माँ एवं नानी नीतू देवी के साथ ननिहाल में रहता था। मृत करण की नानी ने बताया कि एक पल में वे घर वालों की नजरों से ओझल होते ही वाहन से कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर थाने की पुलिस घटना स्थल पहुंचकर परिजनों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाने में मदद करने का दिलासा दिया और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कर जाम हाईवे को मुक्त करा दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप कर आगे की जांच में जुट गई है, जबकि खो चुके दुलारे पुत्र की मौत को लेकर परिजन फूट फूट कर रोने को बेबस बने रहे। गाड़ी वाला भाग के लेके कौन गाड़ी रह रहा मैं देख लिया बाबू गाड़ी वाला के की नाम छे बच्चा का करण कुमार कितना उम्र रहे लगभग 2.5 साल आप पिता का नाम बलदेव साहब बलदेव साहब घर कहाँ भेल घर बाघर है लेकिन हमारा बेटी के ओकर दुलार छोड़ दे।